अगर आप भी सर्च कर रहे हो अपने मोबाइल में लाइक लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन घर बैठे, तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। बट इसमें से ऑलमोस्ट 90% ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रॉड होने का चांसेस या फिर फेक एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, राइट? तो इसमें से सबसे अच्छा एप्लीकेशंस कौन है, किसमें से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, टेन्योर कितना आपको मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए, NBFC से एंड RBI से सर्टिफाइड है कि नहीं, ये सारे टॉपिक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। एंड ये वीडियो में मैं आपको कवर अप करूंगा चार ऐसे एप्लीकेशन जिसमें से आप इजीली घर बैठ के लोन ले सकते हो। एंड ये चारों एप्लीकेशन NBFC से एंड RBI से सर्टिफाइड है, तो इसमें आपको लोन लेने में एंड रीपेमेंट करने में कोई भी आपको इश्यूज फेस नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जानने के लिए किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, कितना इसका रेटिंग है, NBFC से RBI से सर्टिफाइड है या नहीं, सब कुछ जानकारी करने के लिए एंड इसमें कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, राइट? एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरीके का वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। एंड अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड, इंस्टॉल एंड इसमें अपना KYC कंप्लीट करके आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमारे पास है यहाँ पे आज के लिए वो है नावी म्यूचुअल फंड्स गोल्ड्स एंड लोन, राइट? तो ये काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, काफ़ी बार आपने भी इसका एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा टीवी पे या फिर लाइक आपने लैपटॉप में यूट्यूब में आपने देखा होगा। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है इसका। अगर इसके बारे में बात करें तो ये करेंटली जो इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग भी प्ले स्टोर में मिला हुआ है, 4.3 का इसका रेटिंग है एंड 10 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड्स भी देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन का, राइट? एंड अब बात करते हैं इसमें कैसे आप अपना अकाउंट ओपन करके इसमें कितना तक आप लाइक पैसा ले सकते हो, ठीक है? तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन के बारे में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे 20 लाख तक का भी लोन ईजिली ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है वो है 9.9% से लेके 45% तक, ठीक है? ये वेरी होता है कि कितना मंथ तक आप लेते हो या कितना अमाउंट आप यहाँ पे लेते हो। एंड लोन टेन्योर जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है 3 to 72 months, ठीक है? दैट मीन्स आप इजिली जो है 5 years तक भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हो एंड इसका रीपेमेंट भी कर सकते हो। एंड 100% डिजिटल प्रोसेस है, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मोबाइल के थ्रू ही आप लाइक यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो एंड डिजिटली जो है आपका पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है अपने बैंक अकाउंट में, राइट? एंड मिनिमम हाउस होल्ड इनकम, अगर सपोज आप इसमें अगर सपोज लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 3 लाख पर एनम का आपका सैलरी होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे लोन अप्लाई हो सकता है, आपको लोन यहाँ पे मिलेगा। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज आप यहाँ पे 50,000 का लोन लेते हो 12 महीने के लिए, दैट इज 12 months, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 22% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट? एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेएबल है, दैट इज मतलब आपका EMI जो रहता है पर मंथ 12 months तक, दैट इज 4,680 आपको हर महीना देना पड़ेगा 12 महीने के लिए। एंड जो टोटल जो है आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो है 6,160, ठीक है? प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे लिया जाता है जो कि है 1,475। डिस्बर्सल अमाउंट जो रहेगा वो आपका 48,525 रुपीज आपको दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिला के जो आपको बैंक को पैसा देना पड़ता है वो है 56,160, ठीक है? ये कुछ इस तरीके का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हो लोन लेके इस एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे अगर नीचे और ज़्यादा स्क्रॉल करी इस एप्लीकेशन को डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आप होम लोन भी ले सकते हो 5 करोड़ तक का। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे दिया जाता है दैट इज़ 8.74% तक का, ठीक है? और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो ये RBI एंड NBFC सर्टिफाइड है, तो इसमें अगर आप लोन अप्लाई करते हो या फिर आप इसका रीपेमेंट करते हो आप उसमें आपको इसमें कोई इश्यूज फेस नहीं होगा। और अब बात करते हैं आप इसमें लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो लोन अप्लाई करने के लिए काफ़ी सिंपल तरीका है, आप इस एप्लीकेशन में अपना लाइक अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद जो आपका अपना KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये सारे कंप्लीट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा KYC के लिए। KYC कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टेन्योर चूज कर सकते हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, EMI सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड फिर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अप्लाई करने के बाद विद इन 24 to 48 hours जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब हमारे लिस्ट में दूसरा एप्लीकेशन जो आप लोन अप्लाई कर सकते हो जिसमें, वो है क्रेडबी। तो ये एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में अगर जाने तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे 4.4 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है प्ले स्टोर में। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका 50 million प्लस इसका डाउनलोड्स भी है करंटली, ठीक है। मतलब काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, काफ़ी लोग ने इससे लोन लिया है, काफ़ी लोग सेटिस्फाइड है लोन लेके, तभी इसका 4.4 स्टार रेटेड इस एप्लीकेशन को माना जाता है यहाँ पे, राइट। एंड अब अगर नीचे इस यहाँ पे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे मिनिमम 1000 से लेके 4 lakh तक का भी लोन ईजिली आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जाता है वो है 29.95% तक का, दैट इज द हाइएस्ट अमाउंट वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। टेन्योर जो आपको यहाँ पे मिलता है वो है 3 to 24 months तक का, यहाँ पे आपको टेन्योर मिलता है, दैट इज 1 साल तक आप रीपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड क्विक एंड ईजी EMI, मतलब कि आपको ईजिली जो है आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है आपका लोन अमाउंट, एंड आप ईजिली जो है EMI आप उसको एवरी मंथ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो, काफी सारे लोन्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन जहाँ पे आप 3 to 10 months के लिए आप लोन ले सकते हो, एंड 1000 से लेके 50,000 तक लोन ले सकते हो। इसके लिए आप अपना पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, एंड यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम आप सैलरीड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप 10,000 से लेके 4 lakh तक का लोन ले सकते हो, 1 साल तक का आपको टेन्योर दिया जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी प्रूफ जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप लोन ले सकते हो, 1,50,000 तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हो 3 to 12 months के लिए। एंड यहाँ पे आपको जो है लोन यूजिंग पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ से आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके लोन यहाँ पे दिया जाता है, होम लोन भी आपको दिया जाता है, इवन लाइक पर्सनल लोन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सपोज आप जो है 50,000 तक का लोन इसमें लेते हो, 12 महीना के लिए लेते हो, तो यहाँ पे आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है, एंड प्रोसेसिंग फी जो रहता है आपका 1,250 यहाँ पे रहता है, राइट। एंड यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है दैट इज 5,580, ठीक है। एंड यहाँ पे EMI जो आपको मैंने बता दिया 4,632, एंड जो आपको रीपेमेंट टोटली आपको यहाँ पे करना है 55,580 आपको वापस बैंक को देना है विद इन 24 months, ठीक है, अगर आप विद इन 12 months। एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक इंडियन होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आपका एज अगर 21 या उससे ऊपर है तो आप इजीली यहाँ पे लोन ले सकते हो, एंड आप सैलरीड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्टडी मंथली इनकम इन द सेंस, मतलब आपका सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर आपके मनी फ्लो होते रहता है आप एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में, तो आप इजीली यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ये एप्लीकेशन भी RBI एंड NBFC सर्टिफाइड है, तो इसमें भी अगर सपोज आप लोन लेते हो तो कोई भी आपको इश्यूज फेस नहीं होगा। एंड इसमें भी लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे बताया आपको पैन कार्ड एंड अपना एड्रेस प्रूफ एंड आधार कार्ड जो भी है आपको सबमिट करना है। अगर सपोज आप सैलरीड हो तो 6 months तक का आपको बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है, एंड फिर जो है आप यहाँ पे इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने का विदिन 24 to 48 hours आपका अमाउंट डिसबर्स हो जाता है। अब तीसरा एप्लीकेशन जो है, जो कि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मैं भी काफ़ी ईयर से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं इसको लाइक कॉलेज टाइम से, राइट, दैट इज़ M-Pocket इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन मैंने लाइक कॉलेज टाइम से यूज़ कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर प्ले स्टोर में बात करें तो इसका 4.4 रेटेड एप्लीकेशन है ये करेंटली, एंड इसका जो है काफ़ी मिलियंस में डाउनलोड भी है, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है ये भी, एंड यहाँ पे आप जो है 500 से लेके 45,000 तक का भी लोन आप इजीली ले सकते हो, एंड इवन 0 to 4% पर मंथ का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एंड जो आपका रीपेमेंट है वो है 61 days से लेके 120 days तक आप इसको रीपेमेंट ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ, अगर सपोज आप एक लोन लेते हो 2,000 rupees का, तो यहाँ पे अगर सपोज 3 months का टेन्योर में आप रीपेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिलता है वो 24% तक का है, एंड प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 200 rupees रहता है। जो टोटल इंटरेस्ट रहता है वो है 120 rupees, ठीक है। लोन अमाउंट जो है अगर 2000 रहेगा तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ता है बैंक अकाउंट को विद GST दैट इज 2,356, ठीक है। ये टोटल अमाउंट जो आपको बैंक को रीपेमेंट करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगर आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, फिर भी आप यहाँ पे लोन इजीली अप्लाई कर सकते हो। सैलरीड हो तो फिर भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो, आपका सैलरी जो 9,000 या उससे ऊपर
होना चाहिए। अगर सपोज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि आप क्या क्या सबमिट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कॉलेज आईडी कार्ड आप सबमिट कर सकते हो, लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट अगर सबमिट कर सकते हो, इफ अगर आप सैलरीड हो, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये नॉर्मल केवाईसी के लिए सबमिट करना पड़ता है आपको। एंड सबमिट करने के बाद जो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है विद इन 24 to 48 hours, एंड उसको आप लाइक यूज कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर जो है ये भी एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीआईसी से सर्टिफाइड है, तो यहाँ पर भी आपको लोन लेने में एंड रीपेमेंट करने में कोई भी आपको इश्यूज फेस नहीं होगा, राइट। एंड अब चलते हैं हमारे लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने काफी बार भी वीडियो बना के रखा है, दैट इज मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन। तो इसका आज भी काफ़ी अच्छा क्रेज है मार्केट में, काफ़ी लोग इससे लोन लेते आ रहे हैं, एंड इसका रेटिंग करेंटली अभी 4.7 दो की हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन है ये करेंटली, हमारे जितने भी एप्लीकेशन हमने बात किया 4.7 का रेटिंग है इसका है, एंड यहाँ पे 10 मिलियन प्लस इसका अभी तक का डाउनलोड्स है, राइट। एंड अगर बात करें यहाँ पे जो है आप कितना तक लोन ले सकते हो, यहाँ पे आप 10 लाख तक का भी लोन यहाँ पे ले सकते हो मनी व्यू के एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, अगर सपोज आप 50,000 का लोन यहाँ पे लेते हो इस एप्लीकेशन से, ठीक है, तो इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो है 24% तक का 12 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हो तो, राइट। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी रहता है वो है 1750 प्लस GST, जो आपको रीपेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट जो आपका रहता है वो 6736, मतलब टोटल जो आपको बैंक को पेमेंट करना है वो है 56,736 रुपीज आपको वापस पे करना पड़ेगा बैंक को, राइट। एंड इसमें अगर आप सपोज लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी 600 या उससे ऊपर होना चाहिए, 650 के आसपास, तभी भी आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। 21 to 57 years तक आप होने चाहिए इसके मेडल में, एंड आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इसमें से लोन अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें भी लोन अप्लाई करने के लिए काफ़ी सिंपल तरीका है, सिंपली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना के आप इसमें KYC कंप्लीट कर सकते हो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इसमें आप लाइक अटैच कर सकते हो। अपना KYC कंप्लीट करने के बाद जो है आप इसमें लाइक लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली जो है 24 to 48 hours में आपका अमाउंट डिसबर्स हो जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी अगर कमेंट्स, कोई भी मैसेजेस, कोई भी आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ लाइक यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर लाइक आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में भी मैसेज कर सकते हो, मैं सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।